हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। और आज का सुबह का मौसम इतना अच्छा था ना, तो बेटे ने छत के ऊपर आके ये सूट किया है मेरे लिए थोड़ा सा, क्योंकि उसको पता होता है कहाँ से कैसे सूट करते हैं, तो बहुत अच्छे से उसने सूट किया है। और इतना खुशनुमा मौसम था आज का, तो आप देख सकते हैं कितने बादल हैं आज आसमान में, और बहुत ही कभी धूप हो रही थी कभी छाँव हो रही थी, तो हम लोगों ने सोचा कि नहीं चलो आज थोड़ा सा सूट कर लें, बाहर का नज़ारा भी अच्छा लग रहा है। और फिर हम लोग नीचे आ गए और यहाँ पे मैं बर्तन वगैरह रखने लगी हूँ, जो कि रोज़ का काम होता है ये, डेली हम लोगों का। मीनू हमारी काम वाली जो है वो काम करके चली जाती है, फिर मैं लेके उसे सारा सजा के रखती हूँ, क्योंकि यूटेंसिल्स है ना, एक एक करके सजाना पड़ता है रैक में, क्योंकि जब भी आप ये सारा कर लेते हैं तो बिना सजाए अच्छा नहीं लगता है ऐसे बर्तन फिर खाली बाहर रखने के लिए। और यहाँ पे बाबू और ईसु बैठ के यहाँ पे खेल रहे हैं लूडो, और दोनों में चल रही है मस्ती, और मैं बीच बीच में यहाँ इधर उधर हो रही हूँ और मेरा काम उस तरफ चल रहा है। सुबह का टाइम है ये, तो दोनों यहाँ पर मस्ती कर रहे हैं, खेल रहे हैं, क्योंकि कभी कभी होता है ना सैटरडे संडे थोड़ा बच्चों को टाइम देते हैं, उनको टाइम नहीं मिलता है तो ज़्यादा, तो यहाँ पे वो दोनों खेल रहे हैं। और मैं बैठ गई यहाँ पे सब्जियाँ काटने लगी, और यहाँ पे मैंने नई नाइटी पहनी है, तो कैसी लग रही है ज़रूर बता दीजिएगा मुझे। और थोड़ा सा हम लोग फ़ोटोशूट भी किए थे ऊपर, तो कुछ इस तरह से फ़ोटो हम लोगों ने खींचे हैं, देख लीजिए। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। और नॉर्मली हम लोगों ने फ़ोटो खींचा था, क्योंकि बाहर का मौसम बहुत ही अच्छा था, तो थोड़ा सा फ़ोटोशूट भी हो गया। और यहाँ पे आयशु और उसके पापा मस्ती चल रहा है, आयशु जीत गई और उसके पापा हार गए यहाँ पे, तो चल रहा है उन लोगों का मस्ती और आयशु खुश हो जा रही है। फिर किचन में आ गई मैं, और यहाँ पे थोड़ा सा तबीयत खराब थी उनकी, मैंने कहा रेस्ट कर लो। कर रहे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो अभी मैं खाना बनाने जा रही हूँ, क्या बनाऊँ सोच रही थी सुबह, तो बहुत सारे सब्जियाँ हैं घर में आज आ रही हूँ, सोच रही हूँ उड़िया का डालमा ज़्यादा खाते हैं हम लोग, तो डालमा आज बनाने वाली हूँ। और करेला था, बहुत सारा करेला मैंने यहाँ काट के रखा है, इसको सिर्फ भूनना है मुझे और कुछ नहीं करूँगी, सिर्फ भूनूंगी। और डालमा के लिए सारा सब्जी यहाँ पे डालते हैं हम लोग, डालमा मतलब मिक्स जो बोलते हैं ना, मिक्स वेज, तो ये मिक्स वेज करी तो नहीं बनेगा, बट हाँ डाल के साथ मिक्स करके हम लोग बनाते हैं, तो स्पेशली डालमा के लिए बनाते हैं कैसे। देखिए मैंने सारे सब्जियाँ यहाँ पे काट के रख दिए हैं, बहुत सारे सब्जियाँ, बैंगन, आलू और पम्पकिन, बरबट्टी बोलते हैं इसको, और झींगा और परवल जो बोलते हैं परवल, और आलू है, बीन्स भी है, आप चाहे केला, हर चीज़ डाल सकते हैं इसमें, तो बहुत ही टेस्टी बनता है। तो मैं सब्जियाँ थी मैंने सारे डाल दिए हैं इसमें, सिर्फ सारे सब्जी है इसमें, बहुत सारे सब्जी मैंने यहाँ पर डाल दिया, और एक टमाटर ऐसे ही डालूंगी मैं, टमाटर को इसको काटना नहीं है। तो चलिए अभी बनाते हैं, देखते हैं। तो मैं यहाँ आ गई डालमा बनाने, पहले से मैंने प्रेशर कुकर में पानी रख दिया था गर्म होने के लिए, और यहाँ पे मैं अरहर की दाल एक कटोरी डाल रही हूँ, आपको ज़्यादा दाल नहीं डालना है, क्योंकि दाल बाद में ना बैठ जाता है और बहुत सारा मतलब थिक हो जाता है, तो अच्छा नहीं लगता है। और थोड़ा सा नमक और हल्दी स्वाद अनुसार डालना है, और सारे सब्जियों को जितना भी आप सब्जी डाल सकते हैं उसको डाल के बस इसको एक या दो सीटी देना है, हमें ज़्यादा सीटी नहीं देना है, क्योंकि यहाँ पर मैंने नॉनस्टिक का प्रेशर कुकर लिया है, तो मेरा जो प्रेशर कुकर है इसमें 3-4 सीटी आना चाहिए, क्योंकि एलुमिनियम का होगा तो एक ही सीटी काफ़ी है। फिर मैं आ गई यहाँ पे करेला थोड़ा सा भुनने के लिए, क्योंकि आज सादा सारा चीज़ बनना था हमारे घर में, और मैं आज सोची कि नहीं आज मुझे पूरा प्लेन प्लेन खाना बनाना है, तो ज़्यादा तेल मसाला कुछ भी नहीं बनाऊँगी आज, नॉनवेज नहीं बनाऊँगी। तो मैंने यहाँ पर सिर्फ सरसों और सूखी मिर्ची डाला है, 4 या 5 सूखी मिर्ची, और बस करेला जो धो के मैंने पहले से छान के रख था उसको डाल देंगे, और इसको ना थोड़ा ज़्यादा टाइम मैं भूनूंगी, क्योंकि इसे अच्छे से थोड़ा ड्राई करके भून के खाने का मज़ा ही कुछ अलग है, तो मुझे अच्छा लगता है वैसे, मैं इसलिए ऐसे भूनती हूँ। और आज की जो रेसिपी है वो आज स्पेशल डायबिटीज़ और जो डाइटिंग करते हैं उन लोगों के लिए स्पेशल रेसिपी है, आप ऐसे खा सकते हैं बना के। तो फिर मैं यहाँ पर आ गई आयशु क्या कर रही थी देखने के लिए। क्या बना रहे हो ये? दाल बना रही हो? किस चीज की दाल है ये? मैं तो डालमा बना रही थी, तुम क्या बना रही हो? दाल। ओके, दाल बना रही हो, अच्छा।
तो यहाँ पे ऐशु की मस्ती चल रही है और वो खाना बना रही है, क्योंकि मैं डालमा बना रही थी तो वो भी दाल बना रही है, और सारा डाइनिंग के टेबल के ऊपर लाके पूरा फैला के रखी है। और जो मेरे बर्तन रखने वाली चीज़ थी ना जालीदार स्टील वाला, उसमें वो सारे टेडीज़ को लाके रखी है, सुलाई है, उसका बेड बना के रखा है। ऐशु अभी छोटी है तो दिन भर उसका चलता रहता है। और मैं आ गई किचन में थोड़ा सा करेला भूनने, अभी हुआ नहीं है, इसे और भी भूनना है। और ये अदरक लहसुन है, इसे अच्छे से मैंने धो के इसे थोड़ा सा दरदरा मैं कूट लूंगी, क्योंकि ज़्यादा पेस्ट नहीं करूंगी। हाय करने के लिए आए हैं। खाना कौन बनाएगा फिर? मैं बनाऊंगा। चलो बनाओ जल्दी से। सो फ्रेंड्स, आज बना रहे हैं खाना विश्वजीत साहू। देखिए वो मैंने पहले से बना के रखा। सिर्फ करछी जलाने से नहीं होगा, खाना बनाना पड़ेगा। तो हस्बैंड आ गए, थोड़ा सा मस्ती मजाक हुआ, फिर मैं आ गई खाना बनाने। तो डालमा कुछ इस तरह से बन जाता है। देखिए अभी ये रेडी हो गया है, उबल चुका था डालमा हमारा, पक गया था। तो मैं यहाँ पे टमाटर को अलग कर दूंगी और बाद में इसको मैं ऐड करूंगी, जब मैं इसका छोंक देना है जब डालमा में, तब मैं डालूंगी। और सब्जियाँ पूरी अच्छे तरह से गल गई हैं। ज़्यादा हमें सब्जियों को उबालना नहीं है, मतलब व्हिसल ज़्यादा नहीं देना है, गलाना नहीं है पूरा। तो थोड़ा सा ऐसे दिखाई देता रहेगा सब्जी तो अच्छा लगेगा। और पानी थोड़ा ज़्यादा ही डालिएगा, क्योंकि डालना बहुत ही थिक हो जाता है, अगर ज़्यादा डाल हो जाता है या पानी कम हो जाता है तो उसका टेस्ट उतना अच्छा आता नहीं है। और यहाँ पे मैं सरसों का तेल यूज़ कर रही हूँ, और यहाँ पे फोड़न के लिए मैंने डाला है थोड़ा सा जीरा, और थोड़ा सा पंचफोड़न मैं ऐड करूँगी, बहुत ही टेस्टी होता है पंचफोड़न ऐड करेंगे तो। और ये बहुत सारा सूखी मिर्ची और थोड़ी सी करी पत्ता, और ये अदरक लहसुन जो मैंने कूट के रखा था उसे भी मैं डाल दूंगी। और यहाँ पे आप ना बहुत आराम से कीजिएगा, बहुत कुछ हड़बड़ी नहीं है, थोड़ा सा धीमी आंच पे भी कर सकते हैं। और कुछ इस तरह से अदरक लहसुन को थोड़ा सा हमें कूटना है, ज़्यादा इसे पेस्ट नहीं करना है, तो इसे भी डाल देंगे। और इसे ज़्यादा हमें भूनना नहीं है, बस थोड़ा सा इसका गोल्डन कलर हो जाए बस उतना ही। और मैं यहाँ पर ऐड करूँगी थोड़ा सा हींग, जो कि डालमा को बहुत ही टेस्टी बनाता है, और उसकी जो खुशबू है बहुत ही अच्छी आती है। बस इतना ही काम करना है। और जो मैंने टमाटर रखा था निकाल के, उसे मैं यहाँ पे थोड़ा सा भून लूँगी तेल के साथ, जो इसका कच्चापन है वो दूर हो जाएगा और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा लगेगा। तो मैंने इसे थोड़ा सा तेज आंच में पका लिया है, पूरा अच्छे से मैश कर दूँगी मैं टमाटर को, फिर जाके मैं डालमा इसमें ऐड करूँगी। तो कुछ इस तरह से अच्छे से भून लेना है जब तक उसका पानी ख़त्म हो जाता है। और इसके बाद हमें डालमा जो भरा हुआ था मेरा, उसको मैं उठा के डाल रही हूँ। तो गाइस यहाँ पे ध्यान रखिएगा, बहुत ही गर्म होता है, हाथ में गिर सकता है, तो हम लोगों को आदत होती है। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया, बट आप लोग अच्छे से कीजिएगा। और देखिए बहुत ही सुंदर सा कलर आया है और फ्लेवर बहुत ही अच्छी आ रही है, आप घर में ट्राई करके देखिए, बहुत ही अच्छी चीज़ है। एक तो वेजिटेबल हो गया और दाल भी हो गया, तो दोनों चीज़ हमारा हो गया, प्रोटीन भी मिल गया, और सारे ग्रीन वेजिटेबल्स भी हम लोगों ने यहाँ पे खा रहे हैं, तो बहुत ही अच्छी है ये चीज़। और जिसके घर में बच्चे नहीं खाते ना, तो ज़रूर ये बना के दीजिए, बहुत ही अच्छी है, और ग्रीन वेजिटेबल पता भी नहीं चलेगा और बच्चे खा भी लेंगे। तो साग को मैंने यहाँ पे अच्छे से धो के रख दिया है। और इसी बीच ऐशु मुझे चॉकलेट मांग रही थी, तो क्योंकि इसमें छुपाना बहुत आसान होता है, जो चॉकलेट लेके आए थे कि मैंने सारे चॉकलेट इसमें रख दिए। एक मिनट आपको खोल के दिखाती हूँ। तो ऐसे ढूंढ ढूंढ के उसको मिलता नहीं है, तो सोचते कहाँ गए सारे चॉकलेट। तो ये कंटेनर में कंटेनर ना तीन ऐसे आ जाते हैं, तीन इस तरह से 99 शायद पड़ा था, बहुत ही अच्छे कंटेनर है, एयरटाइट है ये, पूरा आराम से कुछ नहीं है और एयरटाइट है पूरा, बहुत ही सारा मैंने रख दिया। तो मैं इसे छुपा के रख देती हूँ, क्योंकि अगर ऐशु को पता चला या बेटे को पता चला, दोनों निकाल के तुरंत सारा खत्म कर लेते हैं। तो अगर किसी को छुपाना है तो ऐसे छुपाइए, बहुत अच्छा कंटेनर है। मैं ये जियो मार्ट से लेके आई थी, मुझे बहुत अच्छा लगा और इसका कलर भी बहुत अच्छा है। और एक है मेरे पास, दिखा दूँ आपको, एक मिनट
ये कलर है, तो इसमें मैंने अभी कुछ रखा नहीं है, इसमें रखा था बट खत्म हो गया है। मैं ये निकाल के देती हूँ, तो कुछ इस तरह से आती है। बहुत ही अच्छे है, 99 में 3 का सेट आ जाता है, बहुत अच्छे से ये मतलब बहुत सारा चीज इसमें आ जाता है। करी रखिए, मिठाई रखिए, जो भी, मैं ज़्यादातर चॉकलेट्स और मिठाई इसी में रखती हूँ क्योंकि बच्चे कभी भी निकाल के खा लेते हैं तो उनको पता नहीं चलता है कि इसमें करी है या मिठाई है, तो चेक नहीं करते इस तरह से डब्बे में रखने से। तो अभी ये 2 डब्बे में चॉकलेट्स हैं, क्या होता है अभी ऐसे को दे। सुधा निया निया चॉकलेट निया फिर से खाना बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। अभी मैं ये साग है, मैंने यहाँ पे साग के लिए थोड़े से प्याज स्लाइस कर लिए हैं और यहाँ पे 4 या 5 हरी मिर्ची ले लिया है और ये लहसुन की कलियाँ हैं छोटी छोटी काट लिए हैं मैंने, बारीक काट लिए हैं। और यहाँ पे सरसों का तेल मैंने डाल दिया है और करेला यहाँ पे ऑलमोस्ट हो रहा है तो ज़्यादा और आज नहीं भूनूंगी, मेरे पास टाइम भी नहीं था, मैंने कहा चलो इतना ही भून के इसको रख देती हूँ। तो कुछ इस तरह से बन गया है करेला की जो भुजिया। तो चलिए आप साग भून लेते हैं। मैंने यहाँ पे सरसों 1 चम्मच डाल दिया है और थोड़ी सी हरी मिर्ची डाल देंगे और जो लहसुन की कलियां हैं उसे बारीक मैंने काट के रखा था वो भी डाल देंगे। तो सारा चीज़ यहाँ पे डाल के हमें अच्छे से भून लेना है। साग ऐसी एक चीज़ है ना, आप जितना खाएंगे उतनी अच्छी है, बट बच्चे नहीं खाते हैं तो मैं कभी कभी बना लेती हूँ और अच्छा होता है, बच्चे खाएंगे क्योंकि इतनी सारी ग्रीन सब्जियाँ आज बनाएँ तो ऐसी तो बिल्कुल भी नहीं खाती है मेरी, तो इसको ज़बरदस्ती खिलाना पड़ता है। तो कुछ अच्छा से बना के देने से बच्चे खा लेंगे, तो इसलिए मैंने आज सादा ही बनाया है सारा खाना, तो ज़्यादातर नॉन वेज ही खाते हैं बच्चे। प्याज को थोड़ा अच्छे से भूनने के बाद फिर मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया सारा साग और इसे अच्छे से धो के डालिएगा क्योंकि साग में ना बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो आप ध्यान से कीजिएगा। और थोड़ा सा डर लगता है साग को, इसलिए मैं बहुत ही चेक करके धोती हूँ और अच्छे से काट के इसे साफ़ करके ही खाना चाहिए। तो इसमें कुछ भी नहीं डालना है, बस तेज़ आंच में इसको पकाना है और थोड़ा सा नमक ऐड करना है, वो भी बहुत कम क्योंकि साग दिखाई देता है इतना सारा और जब भी पक जाता है तो बहुत कम हो जाता है, और जितना प्याज डालेंगे उतना ही टेस्टी बनेगा साग। तो गाइस कुछ इस तरह से बन गया है आज की जो लंच मेरी प्रिपरेशन, यहाँ पे साग बन गया है भुनना, बहुत ही कम टाइम में बन जाता है, बस 5 मिनट लगता है आपको। और ये मेरी जो उड़ीसा की डालमा है फेमस डालमा हम लोग खाते हैं, तो ये भी बन गया है आज। और साइड में मेरी करेला भून के भी रेडी हो गया था तो उसे भी मैंने रख दिया है। तो आज की लंच की प्रिपरेशन कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट लिखिएगा, और जो भी डाइट करते हैं तो ये रेसिपी ज़रूर फॉलो करें, बहुत ही काम की चीज़ है। और डाइट नहीं करते हैं तो भी ये रेसिपी बना के खाइए, हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी है, इसे आप घर में ट्राई कीजिए और मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिएगा कि कैसा लगा आज की रेसिपी। तो मैं जा रही हूँ खाना खाने, आप भी खाना खा लीजिएगा।